नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है। और अब खबर विस्तार से। कई ग्रामीण अंचलों में झोला छाप डॉक्टरों की चल रही है चांदी। त्योंदा में एक मामला देखने को सामने आया है, जहां सरकारी जन चिकित्सालय में मरीजों के पलंग पड़े हैं खाली, क्योंकि जो मरीज इन अस्पताल में आता है तो उन्हें डॉक्टर ही नहीं मिलते और उसका इलाज सही ढंग से नहीं हो पाता है। दवाइयां भी यहां बाहर के मेडिकल स्टोर की लिखी जाती हैं। इस वजह से क्षेत्र के लोग इस अस्पताल में आना ही पसंद नहीं करते। इससे बढ़िया तो आरएमपी को क्षेत्रवासी अच्छा समझते हैं, चाहे उनके पास डिग्री ना हो। यह एक बहुत बड़ी समस्या धरातल पर देखी जा रही है। यह केवल त्योंदा का ही मामला नहीं है, हर जगह इस तरह से ही चल रहा है। जो सरकारी डॉक्टर यहाँ पदस्थ हैं, वह अपनी मनमानी करती हैं, और वह इसलिए कि उनके यहाँ कई आका हैं जिनका संरक्षण उनको प्राप्त है। जो क्षेत्र के छोट भैया नेता होते हैं, वह उनके आका के रूप में सामने आते हैं। जब भी कोई मीडिया कवरेज करने के लिए यहाँ आता है, या तो मीडिया की आवाज़ को दबा देने के लिए, धमकाने के लिए, कोई ना कोई छोट भैया नेता सामने ज़रूर देखा जाता है। उसी का परिणाम है कि क्षेत्र के डॉक्टर कर्मचारी अपनी मन मर्जी करते बखूबी देखे जा सकते हैं। जब अस्पताल में मरीज ही नहीं आते हैं तो महीने की दवाई का स्टॉक कहाँ जाता है, यह आप बखूबी समझ सकते हैं। अभी हाल ही में इस त्योंदा के जन चिकित्सालय में इस तरह के वाक्या को देखने को मिला। इस अस्पताल के वार्ड्स में कुत्ते घूम रहे हैं। यहाँ ना ही कोई चपरासी है जो इन कुत्तों को अस्पताल से अंदर आने से रोक सके, ना ही कोई डॉक्टर है। जब इंडिया खबर लाइव की टीम इस अस्पताल के अंदर पहुँची तो यहाँ पर कई अनियमितताएँ पाई गईं। वहीं जब यहाँ डॉक्टर मरीजों को एक्सपायरी डेट की दवाई देती हुई नज़र आईं, और जब इस बारे में उनसे पूछा गया तो वह उल्टा मीडिया पर ही आरोप लगाने लगीं और कहने लगीं कि यह दवाएं आपने ही यहां रखी हैं। हमारे टीम के साथ चार अन्य पत्रकार साथी भी मौजूद थे। आरोप लगाने में इस लेडी डॉक्टर की एक न चल सकी। इसके एक घंटे बाद डॉक्टर रघुवंशी अपने घर से नर्स के बुलाने पर अस्पताल आए, और जब हमारी टीम ने उनसे बात की तो उनका भी कहना यही था कि हमें एक्सपायरी डेट की दवाएं इसलिए देना पड़ती हैं क्योंकि यहां दवाओं की शॉर्टेज है। परंतु फिर सवाल वही है कि जब इस अस्पताल में मरीज आते ही नहीं तो आखिर दवाएं जाती कहां हैं। यहां के प्रशासनिक अधिकारी जो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं, वह इस बात को जानें कि दवा आखिर कहां जाती हैं। इस अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कभी भी देखने को नहीं आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है, वह सपना ही रहता है, यह देखने को मिलता है कि ना जाने कब सपनों का हेलीकॉप्टर धरातल पर उतरेगा। इसी वजह से यहाँ के झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकानदारी बखूबी चला रहे हैं और अपनी चांदी की नाव तैरती देख रहे हैं। ना ही कोई शासन और प्रशासन का इनको खौफ है, ना ही स्वास्थ्य विभाग इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते नज़र आता है, क्योंकि वह चांदी की नाव में सवारी करते हैं और उनको इस बात की चमक भी दिखा देते हैं। त्योंदा से मोनू पटेल की एक रिपोर्ट। साहब, अपने पास बाटन लगाई हैं अपने जन मरीजों के लिए, इसके परमिशन है क्या आपके पास श्रीमान जी? क्या है कि जो मरीज कितने वर्षों से आप यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं? 20 वर्षों। तो क्या आपका डिग्री है इसकी जो आप एडमिट कर रहे हैं यहाँ पर मरीजों को? बॉटल लगा रहे हैं। क्या कारण है सर? मेरे आने से पहले जो अधिकारी थे उन्होंने कार्रवाई की है उसके समय पे। आप चूँकि अब हम आज की डेट में आप उसकी चीज़ अफर करा रहे हैं, मरीज भी अभी शिकायत लेके आ रहे हैं, क्योंकि जब केस वहाँ से बिगड़ के आता है तो इसके लिए हम तहसील साहब और तहसीलदार साहब को लिखित में शिकायत करेंगे और उससे जो भी वो उसका हमारे लिए उचित मार्गदर्शन बताएंगे।